हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रिल विद गिल्स। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मंचूरियन, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बनाने वाले हैं वेज मंचूरियन। उसके लिए चाहिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है पत्ता गोभी, कैबेज भी बोलते हैं इसे, और मैंने एक कैबेज को चॉप कर लिया अच्छे से, फाइन चॉप। और उसमें मैं डालूंगी एक कैरेट, गाजर डाल दिया मैंने, वो भी चॉप कर लिया अच्छे से। साथ में मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। आप चाहे तो अकेला जिंजर यूज कर ले, चाहे तो गार्लिक, चाहे तो दोनों का कॉम्बिनेशन। साथ में एक चम्मच नमक, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच रेड चिल्ली पाउडर। आप चाहे तो गोभी कम से ज़्यादा ले सकते हैं। और साथ में है 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 3 चम्मच मैदा। और लेकिन हम इसको कम कम डालेंगे अभी, क्योंकि कई बार होता है गोभी में पानी ज़्यादा होता है, कई बार होता है कम, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और फिर एक फाइन सा मिक्सचर बना लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने एक आटे जैसा बना लेना है, जैसे सैंड होती है ना, बिल्कुल वैसा। मतलब जब हम इसको हाथ लगाएंगे तो ये सैंड के जैसे ऐसे बिखरेगा। मैं दिखाती हूँ बना के कि कैसा मिक्सचर बनाना है। और हम ये जो बचा हुआ है इसको भी डालने, मतलब मेरा इसमें 3 चम्मच मैदा और 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर चला गया है। ये आपकी गोभी के ऊपर डिपेंड है कि उसमें पानी कितना है, लेकिन इतना भी आप मत डालिए कि वो सारा आटा ही आपके मुंह में टेस्ट आए। मंचूरियन का टेस्ट आना चाहिए। अगर आपको नमक कम या ज़्यादा लगता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं उसको एडजस्ट। मैं हाथ से इसलिए मिक्स कर रही हूँ क्योंकि अगर हम चम्मच से करेंगे तो पानी जो इसमें फिलिंग आएगी ना, वो हाथ से ही आएगी, चम्मच से नहीं आएगी। जब आपका बॉल ये ऐसा बनना स्टार्ट हो जाए तो समझ लो आपका जो मटेरियल है वो रेडी है। तो इसके आप बॉल बना लें, इससे 16 के या 20 के करीब बॉल बन जाएंगे, साइज छोटा या बड़ा हो सकता है। और फिर हम इसको फ्राई करते हैं। मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है और कुछ बॉल भी बना लिए हैं। अभी साथ साथ और बनाती हूँ मैं बॉल, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें अपनी जो बॉल्स हैं वो डाल देंगे। तो चलो बॉल फिर से बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल मेरा गर्म हो गया है और मैंने 20 के आसपास बॉल बना लिए हैं, तो चलो इसको डालते हैं। आराम से डालेंगे, जो आपका बॉल का मटेरियल है वो बिखरे ना ऑयल में, और इसको हिलाइए मत अभी। बिल्कुल आराम से डालने हैं। अभी स्पेस है लेकिन मैं अभी कम डालूंगी क्योंकि पहले मैं इनको बनने दूँ। अभी मैं और बॉल डाल रही हूँ। पहले मेरे जो बॉल डाले थे वो काफ़ी हल्के से ब्राउन हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पकाना है। अपने पैन के हिसाब से आप डालें, अगर आपको लगता है कि उसमें कम जाते हैं तो आप कम ही डालें, अदरवाइज जो आपका बॉल का मिक्सचर है वो सारा उसमें ऑयल में मिक्स हो जाएगा। जब आपके जो बॉल हैं गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो उसे निकाल लें। हमारा जो फर्स्ट बैच है वो रेडी हो गया है, मैंने सेकंड बैच डाल दिया है और फिर थर्ड बैच में 5 के करीब और जाएंगे। तो इसी तरह से हम अपने सारे जो बॉल है वो बना लेंगे, गोल्डन ब्राउन जब हो जाएंगे तो बस निकाल लेंगे। लास्ट बैच मैंने अपने बॉल्स का जो है वो डाल दिया इसमें, मंचूरियन बॉल्स को। तो जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे मैं इसे निकाल लूँगी, और उसके बाद फिर हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। तो जब हम ग्रेवी बनाएंगे तब मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूँगी। हमारे मंचूरियन बॉल्स बन के रेडी हैं, तो चलो इसे निकाल लेते हैं और इसके बाद हम बनाते हैं इसकी ग्रेवी।
हमारे मंचूरियन बॉल बन के रेडी हैं। तो जो ग्रेवी के लिए इंग्रेडिएंट चाहिए वो बता देती हूँ। सोया सॉस चाहिए हमें 1 चम्मच, 1 चम्मच चाहिए हमें रेड चिल्ली सॉस, 1 चम्मच चाहिए, या 2 से 3 भी यूज़ कर सकते हो अगर आप बच्चे खा रहे हैं तो, टमाटो सॉस, 1 चम्मच ब्लैक पेपर, 1 चम्मच सॉल्ट। सॉल्ट आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन इसमें कम ही रखे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि सोया सॉस ऑलरेडी नमकीन होती है। 1 बेल पेपर चाहिए हमें ग्रीन कलर में, और मैंने 3 कलर लिए हैं, आप ग्रीन ले लें चाहे सारे ले लें, आपकी मर्ज़ी। स्प्रिंग अनियन वाइट मैंने यूज़ करने हैं ग्रेवी और सॉस बनाने के लिए। 3 से 4 क्लोव्स गार्लिक के मैंने कट कर लिए हैं, चॉप कर लिए हैं, और जो ग्रीन पार्ट है स्प्रिंग अनियन का वो गार्निशिंग के लिए है। तो चलो हम अपनी सॉस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच ऑयल। जब ये गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे गार्लिक क्लोव्स, हमारे जो चॉप्ड करे हुए हैं वो। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो चलो इसमें गार्लिक क्लोव्स डाल देते हैं। इसे हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। और डाल देते हैं हम स्प्रिंग अनियन। इसमें चाहे तो आप ग्रीन चिल्ली भी डाल सकते हो अगर आप ज़्यादा हॉट लाइक करते हो तो। इस टाइम पे आप अपनी गैस जो है वो मीडियम पे कर दें। अब हम डाल देंगे हमारी बेल पेपर, मैंने 3 कलर लिए हैं, आप चाहे तो 1 कलर भी ले लो। और साथ ही में डाल देंगे हम अपना नमक और ब्लैक पेपर। नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हो, इसमें सोया सॉस जाती है तो इसलिए आप नमक कम ही डालें तो अच्छा है। अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें और इसे पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक, लेकिन हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि जो शिमला मिर्च है वो हमें क्रंची ही रखनी है। 2 से 3 मिनट के बाद हम डाल देंगे अपना सारी सॉस, मैंने 1 चम्मच ली है सोया सॉस, 1 चम्मच हॉट चिल्ली, और साथ में 2 से 3 चम्मच आप ले सकते हो टमाटो सॉस अगर बच्चे खा रहे हैं तो। मेरे बच्चे खाएंगे इसलिए मैं डाल दूँगी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और साथ में डाल दिया पानी। और इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह पकाएं। मैंने 150 ग्राम के आसपास पानी डाला है इसमें और इसे हम पकने देंगे 3 से 4 मिनट तक। ग्रेवी जो हमारी है वो बन रही है, तब तक मैं अपना इसके लिए कॉर्नफ्लोर के लिए घोल बना लेती हूँ। इसमें मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया, थोड़ा सा पानी डाल के मैं एक पेस्ट बना लूँगी। गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहने देनी, अच्छी तरह से अपने कॉर्नफ्लोर को पानी के साथ मिक्स कर लेना है। हमारा उधर ग्रेवी में बॉईल भी आ गया है, उसे पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम धीरे धीरे करके जो ये हमारा घोल है इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके, और साथ में मिक्स करते जाएंगे, एकदम से नहीं डालना। गैस मेरी मीडियम पे है, मीडियम टू हाई होनी चाहिए गैस, लो पे नहीं काम करना हमें।
सारा अपना घोल जो है डाल दिया है। इससे क्या होगा, हमारी जो ग्रेवी है उसमें थिकनेस आ जाएगी। और अब हम डाल देंगे अपनी बॉल्स ताकि जो वो इस सॉस को अपने अंदर सोख ले। और गैस को कर देंगे बंद। करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो ये देखो हमारे वेज मंचूरियन बन के रेडी हैं। तो इसकी प्लेटिंग करते हैं आप। तो इसे गार्निश करते हैं हम ग्रीन अनियंस के साथ। तो ये देखिए हमारे वेज मंचूरियन कितने अच्छे लग रहे हैं। आप बनाएं, खाएं, अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड्स को खिलाएं। इसको चाहे तो आप पार्टी में बना सकते हैं, कोई फंक्शन है घर में तब बना सकते हैं। तो अगर कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं, आपके ज़रूर दूर करेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितना यम्मी और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लग रहा था हमारा मंचूरियन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल ग्रिल विद गिल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।